आज मैं आपको दही वाली अरवी की सब्जी बता रही हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे कुछ हमारी तरह से बनाएं तो ये और भी अच्छी लगेगी। ये मैंने अरवी लिया है, इसे धो के साफ करके रखा है। इसके बाद मैं इसके छिलके निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे इस तरह से कट करके पानी में डाल के रख दूँगी। मैंने इधर एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी और तेल डाल रही हूँ। तेल में मैं सारे अरवी को डाल दूँगी और उसके बाद इसे मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। जब हमारा अरवी अच्छा लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक मैं इसे भूनूँगी। ये देखिए हमारी अरवी बन गई है, भुन गई है और हमारा तेल भी एक्स्ट्रा निकल गया। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी करके निकाल सकते हैं। इधर मैंने कुकर लिया है, उसमें जो बची हुई तेल थी और मैंने एक चम्मच तेल डाला है। उसके बाद मैं दो बे लीव्स डाले हैं, दो बड़े प्याज को बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाला और उसे मैं ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छी तरह से भून लूँगी। ये हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, जैसे मैं एक चम्मच इसमें अदरक और एक चम्मच मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी और फिर मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी। जब हमारा लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से भून जाएगा, देखिए हमारा प्याज अदरक और लहसुन अच्छे से भून गया है। इसके बाद मैं इसमें दो बारीक टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, उसे मैं इसमें डाल दूंगी और उसे भी मैं इसमें सारे प्याज और टमाटर ये अदरक लहसुन के साथ भून लूँगी। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून के उसके बाद इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जैसे मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर, एक छोटे चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डालें। उसके बाद सभी मसालों को इसमें अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। जब हमारे मसाले अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, देखिए हमारे मसाले जो है वो पूरी तरह से सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद मैं इसमें एक कटोरी दही, जो मैंने अच्छी तरह से फेंट के रखा है, उसे मैं इसमें डाल दूँगी और हीट को बिल्कुल सिम पे रखें और उसके बाद इसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि हमारा दही जो है वो फटे ना। और जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगेगा। देखिए साइड से मैं अब मुझे इसमें अरवी डाल दी हूँ। अरवी को भी मैं 2 मिनट इसमें इस मसाले के साथ भूनूंगी ताकि उसका फ्लेवर पूरे अच्छी तरह से मसाला अरवी के साथ आ जाए। और उसके बाद मैं इसमें एक गिलास पानी डालूँगी। पानी आप उतना ही डालें जितना कि आपके मसाले ये आपके जो अरवी हैं वो उसमें डूब जाए। अब देखिए मैं इसमें पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इतना पानी इसमें एक गिलास के लगभग छोटा सा गिलास में मैंने लिया था, मैंने इतना पानी डाला है। अब उसके बाद मैं अब इसके ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद अरवी को 1-2-3 सीटी आने तक मैं पका लूँगी। अब आप देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। ये अरवी अच्छी तरह से गल गई है, मैं आपको इसे दबा के दिखा रही हूँ। ये देखिए अरवी गल गई है, मेरी सब्जी पूरी तरह से रेडी हो गई है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजें।